सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और ईश्वर से भी यह दुआ करता हूँ कि सदा आप खुश रहें। अब अपने जो माता थी वह माता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन सी माता? हर्षद माता। अपने पहले देखेंगे दोसा की माता। दोसा में एक माता आती है और माता का नाम क्या है? हर्षद माता। कौन सी माता? हर्षद माता। हर्षद माता के बारे में बता दिया। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? आभानेरी। और आभानेरी अपने कहाँ है? दोसा में मंदिर। आभानेरी, आभानेरी अपने कहा? दोसा में है। निर्माण किसने करवाया? अपना उत्तर निकल के आएगा निर्माण के मामले में। अपना उत्तर क्या निकल के आएगा कि राजा चांद जो हुआ करते थे, राजा चांद ने किस मंदिर का निर्माण अपने आभानेरी दोसा में हर्षद माता जो है, हर्षद माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राजा चांद ने। अब मैं कहूं कि एक और माता है, वो अपने भीलवाड़ा की माता देखेंगे। भीलवाड़ा में कौन सी माता है? जोगणिया माता। भीलवाड़ा की माता। भीलवाड़ा की कौन सी माता? जोगणिया माता। जोगणिया माता। जोगणिया माता का मंदिर अगर पूछ लिया जाए तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? भीलवाड़ा में है। मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। मंदिर भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। इनके लिए एक मुख्य बात है, ये जोगणिया माता जो है, यहाँ हम मन्नत मांगने के लिए जाते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस देवी के मंदिर में मुर्गे छोड़ने की परंपरा है। मनोकामना पूर्ण होने पर, मनोकामना पूर्ण होने पर देवी के मंदिर में मुर्गे छोड़ने की परंपरा है। हेलो, एक माता और आती है अपनी, कौन सी माता? कुशाल माता। एक माता और कौन सी आती है? कुशाल माता। और है कहाँ? ब्यावर में। ब्यावर में कौन सी माता? कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? बदनौर में। और बदनौर अपने कहाँ आ गया? ब्यावर में। बदनौर अपने कहाँ आ गया? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? ब्यावर। मंदिर कौन सी माता का? कुशाल माता का। बदनौर में। और बदनौर अपने किस जिले में आ गया जी? बदनौर अपने आ गया ब्यावर में। ब्यावर में। अब मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया? 1433 ईस्वी में। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी में। एक माता आती है, धनोप माता। धनोप माता का मंदिर कहाँ है? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा कि धनोप माता जो है उसका मंदिर अपने शाहपुरा में है। शाहपुरा की माता देख लेते हैं। शाहपुरा की माता के बारे में मैं बता दूं कि
राजा धुंध हुआ करते थे, उनकी ये कुल देवी है, लेकिन उससे पहले मंदिर देखेंगे। मंदिर है कहाँ? शाहपुरा में कौन सी माता आएगी? धनोप माता। धनोप माता का मंदिर कहाँ है? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? शाहपुरा में मंदिर। मंदिर कहाँ? शाहपुरा में। मंदिर शाहपुरा में है राजा धुंध की कुल देवी। धुंध की कुल देवी धुंध की कुल देवी अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं नागौर की माता। कौन सी माता? नागौर की माता। नागौर की माता नागौर की माता एक अपनी माता है केवाय माता, इसे अंबिका माता भी कहते हैं। केवाय माता या अंबिका माता। केवाय माता या अंबिका माता कहाँ? अपने डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में मंदिर कहाँ है इनका? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में मंदिर है। अब मैं बात करूं कि डीडवाना कुचामन में इनका मंदिर है। अब आगे ये दहिया राजपूत जो थे, दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। राजपूतों की दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। चलो इसके बाद में एक माता और आती है अपनी। कौन सी माता आती है? भवाल माता। भवाल माता। भवाल माता का मंदिर कहाँ है? अपने मेड़ता नागौर में। भवाल माता का मंदिर मंदिर कहाँ? मेड़ता नागौर। मंदिर मेड़ता नागौर में है। अब यहां से ये बड़ी शानदार क्वेश्चन है कि ढाई प्याले शराब का सेवन करती है। जीर्ण माता भी ढाई प्याले शराब का सेवन करती है और भवाल माता जो नागौर की है वो भी ढाई प्याले शराब का सेवन करती है। ऑप्शन दोनों अगर मिले तो दोनों सही है, अगर जीर्ण माता न मिले तो भवाल माता सही है। ढाई प्याले शराब का सेवन करती है। आगे चलते हैं। एक माता आती है दधि माता। दधि माता। दधि माता का मंदिर कहाँ है? तब अपना उत्तर निकल के आएगा। मंदिर तो अगर पूछ लिया जाए गोठ मंगलोद में है, और गोठ मंगलोद अपने कहाँ है मित्रों? गोठ मंगलोद।
गोठ मंगलोद अपने नागौर में है, जायल तहसील में, और जायल तहसील अपने कहां है, नागौर में। जायल तहसील कहां, नागौर में। किसकी कुलदेवी है, दाही मां या दादीच ब्राह्मण जो थे उनकी कुलदेवी है, दाही मां या दादीच ब्राह्मण। कुलदेवी किसकी है, दादीच ब्राह्मणों की, दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। अब मैं कहूँ कि इस मंदिर, इसके मंदिर का निर्माण 836 ईस्वी में करवाया गया, भोजराज प्रथम ने करवाया मंदिर निर्माण 836 में, भोजराज प्रथम ने करवाया। भोजराज प्रथम ने करवाया। मंदिर की एक विशेषता है कि मंदिर का शिखर जो है वो तो अपने नागर शैली में है, शिखर जो नागर शैली में है। मंदिर का शिखर नागर शैली में बना हुआ है। शिखर नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर की दीवारें जो है, मंदिर की दीवारों पर राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक का वर्णन मिलता है, चित्र मिलता है। मंदिर की दीवारों पर राम वनवास से लेकर रावण के वध तक का वर्णन मिलता है, तक का वर्णन वर्णन मिलता है। मेला चैत्र अश्विन नवरात्रा को लगेगा। प्रतिहारकालीन मंदिर है, मंदिर का शिखर नागर शैली में है, वैसे प्रतिहारकालीन मंदिर है। मंदिर है। मेला अपना कब लगता है, चैत्र प्लस आश्विन नवरात्रा, रात्रों में। आगे चलते हैं, चैत्र प्लस अश्विन के नवरात्रों में। अजमेर की कौन सी माता, अजमेर की एक नौसठ माता, एक सावित्री माता। अजमेर की कौन सी माता, एक नौसठ माता, और नौसठ माता एक तो एक सावित्री माता, नौसठ माता। नौसठ माता का मंदिर अजमेर में है। नौसठ माता का मंदिर कहाँ है, अपने अजमेर में। मंदिर कहाँ, अजमेर में। एक सावित्री माता,
सावित्री माता भी अपने कहाँ? अजमेर में। इनका मंदिर कहाँ है? सावित्री माता का वो भी अजमेर में और नौसठ माता का मंदिर भी अजमेर में। सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर अपने कहाँ? अपने अजमेर में। नौसठ माता का मंदिर भी अजमेर में। अजमेर में, लेकिन मंदिर निर्माण किसने करवाया? गोकुलचंद जी पारिक हुआ करते थे, गोकुलचंद पारिक जी, उन्होंने यह मंदिर का निर्माण करवाया। गोकुल चंद पारिक ने कौन सी माता के मंदिर का निर्माण? सावित्री माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इनके अलावा एक और कौन सी माता? नौसठ माता। अब केकड़ी में कौन सी माता आएगी? घाटा रानी माता। केकड़ी में कौन सी माता आएगी? घाटा रानी माता। घाटा रानी माता। अब आगे चलते हैं, आगे देखो कौन सी माता आती है। एक आती है अपनी राजसमंद में, राजसमंद में कौन सी माता आती है? कौन सी माता आती है राजसमंद? राजसमंद में राजसमंद में कौन सी माता? एक आती है अपनी घेवर माता। घेवर माता, राजसमंद अपने झील जो है, राजसमंद, राजसमंद के पाल पर है। मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद में मंदिर है, राजसमंद में मंदिर है। अब बताया जाता है कि बगैर पति के सती होने वाली माता राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? इसी माता ने रखी थी ना। अब बताया जाता है कि जब झील की नींव रख रहे थे तब कहा कि एक ऐसी लड़की जो कन्या होनी चाहिए जिसके गाल पर चिन्ह है, तो ऐसी कन्या अपने कौन सी माता मिली? घेवर माता। और इन्होंने नींव रख दी बगैर पति के सती होने वाली माता। तो कहते हैं सती कहते किसे हैं? सती कहते किसे हैं? देखो मैं कंफर्म कर देता हूं कि सती वो नहीं होती जो पति के मर जाने के बाद उसके साथ उसके वियोग में प्राण त्याग देती है। पति के साथ होती है? नहीं, मैं कहूं पति के साथ होती तो ये तो बगैर पति सती हो गई। एक सती ऐसी भी है जो पुत्र के साथ सती हुई। एक अपने उमादे, नाम पढ़ा होगा आपने, महादेव की पत्नी उमादे, उमादे तो अपने पगड़ी के साथ सती हुई थी। तो इसकी सही परिभाषा तो ये होगी मित्रों, सही परिभाषा कौन सी होगी कि किसी के वियोग में, किसी के वियोग में, अपने प्रेम के वियोग में, जिससे वो अधिक प्रेम करती है उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दे, वो सती होती है। चलो, राजसमंद झील की नींव रखनी वाली माता, राजसमंद झील की नींव रखी बगैर पति के, बगैर पति के सती होने वाली माता। सती होने वाली बगैर पति के सती होने वाली माता। मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील की पाल पर मंदिर है।
राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर है। एक और माता आती है राजसमंद में, उनवास या पिपलाद माता। कौन सी माता? उनवास या पिपलाद माता। उनवास या पिपलाद माता। उनवास या पिपलाद माता। मंदिर कहाँ है? मंदिर है अपने राजसमंद में। मंदिर कहाँ? राजसमंद में। राजसमंद में मंदिर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा अल्लट ने। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा अल्लट ने मंदिर निर्माण। राजा अल्लट ने करवाया। अब देखते हैं अपने पाली की माता, पाली की माता और देख लेते हैं। पाली की माता देखने से पहले सोरसेन बारा में किस माता का मंदिर है? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? ब्राह्मणी माता। बारा की ओर देख लेते हैं, कौन सी माता? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा में। मंदिर देखो ब्राह्मणी माता का। मंदिर मंदिर कहाँ? सोरसेन बारा में। सोरसेन बारा में मंदिर है। अब मैं कहूँ एकमात्र माता जो बगैर पति के सती हो गई थी वो थी ना, चलो मंदिर कहाँ? अपने सोरसेन बारा में। अब मंदिर है सोरसेन बारा में, लेकिन इस माता के बारे में बताया जाता है, इस माता के बारे में बताया जाता है कि इस माता के पीठ की पूजा होती है। एकमात्र देवी एकमात्र माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। और ऐसा भी बताया जाता है पीठ की पूजा की जाती है, अग्रभाग की पूजा नहीं की जाती। अदर जो माता जो अपने हैं, हमने माता पढ़ी, उनके अग्रभाग की पूजा की जाती है, लेकिन यह अपनी ब्राह्मणी माता जो है, ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है। बताया जाता है 400 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। 400 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। ज्योत जल रही है। चलो अब मेला भी लगता है। मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। कुलदेवी देख लेते हैं, कुलदेवी किसकी है? कुम्हार जो थी, कुम्हारों की कुलदेवी है, कुम्हारों की कुलदेवी है। अब कुम्हारों की कुलदेवी है तो आपने, जब हमने शीतला माता टॉपिक लिया था, शीतला माता के बारे में चर्चा की थी, तब मैंने बताया शीतला माता का वाहन होता है गधा, पुजारी होता है कुम्हार, लेकिन ये कुलदेवी है तो गधों का ही मेला लगेगा। कुम्हार जो है, मैं कहूँ यहाँ गधों का मेला लगता है। कहाँ कब लगता है? सोरसेन बारा में, ब्राह्मणी माता के उसमें। सोरसेनी
कहां से? माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। चलो आगे चलते हैं। एक अपनी पाली में माता आती है, कौन सी माता? सुगाली माता। पाली में कौन सी माता आती है? पाली की माता। पाली में कौन सी माता आएगी? सुगाली माता। सुगाली माता। मंदिर कहाँ है सुगाली माता का? तब अपना उत्तर आएगा, मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो अपना उत्तर क्या है? पाली। समझ रहे हैं? अब कुलदेवी किसकी है? कुशाल सिंह की। कुलदेवी किसकी? कुशाल सिंह की। 1857 की क्रांति की देवी उपनाम, 1857 की क्रांति की उपदेवी, 1857 की क्रांति की कुलदेवी, 1857 ईस्वी की क्रांति की कुलदेवी, क्रांति की माता और कुशाल सिंह की कुलदेवी। अब देखो 54 हाथ होते हैं और 9 सिर होते हैं, 10 सिर वह 54 हाथ होते हैं, 54 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, 54 हाथ वाली देवी। अब यहां से अंग्रेज थे, सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले जाते हैं और अजमेर के बाद अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले जाते हैं। अजमेर से कोलकाता संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय से बांगड़ संग्रहालय में अब बांगड़ संग्रहालय से 2018 में वसुंधरा राजे जो थी अपने मुख्यमंत्री, उन्होंने फिर से अपने कहां ले आए? सुगाली माता की मूर्ति पाली में संग्रहालय, बांगड़ संग्रहालय से 2018 में इसी में वसुंधरा जी ने पाली में स्थापित करवा दी। अब आगे चलते हैं। एक अपनी देख लेते हैं, उदयपुर की माता। उदयपुर की माता में एक अपनी कौन सी माता? बाण माता आएगी।
बाण माता। बाण माता का मंदिर कहाँ है? बाण माता का मंदिर उदयपुर में। कुल देवी किसकी है? कुल देवी सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। कौन सी माता? बाण माता। मंदिर कहाँ? उदयपुर में। इतनी बात याद रखनी है। इनके अलावा और कौन सी माता आती है वो देखते हैं। एक माता आती है, अन्य माता देख लेते हैं। अन्य माता, एक अपनी माता कौन सी? रूपण माता। एक अपनी माता जैला माता। एक अपनी माता कौन सी? रूपण माता। एक अपनी कौन सी माता? जैला माता। ये देखो, एक अपनी ऊंटाली माता। ऊंटाली माता, चलो अब देखते हैं माता चित्तौड़गी। चित्तौड़गढ़ की माता, चित्तौड़गढ़ की माता में पहले देख लेते हैं झांतल माता या वटसयकनी माता। झांतल माता या वटयक्षिणी माता। वट यक्षिणी, वट यक्षिणी माता। वट यक्षिणी माता, मंदिर कहाँ है अपना? चित्तौड़गढ़ में। वट वृक्ष के नीचे है और लकवे से पीड़ित व्यक्ति का यहां इलाज किया जाता है। मंदिर वट वृक्ष के, वट यक्षिणी है, वट वृक्ष के नीचे मंदिर है। वट वृक्ष के नीचे मंदिर है लकवे से पीड़ित व्यक्ति का। लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इलाज किया लकवे से पीड़ित व्यक्ति का यहां इलाज किया जाता है। अब मैं कहूं कि मूठ से बचाने वाली माता कौन सी थी? बदाना माता जो अपने कोटा में थी। नोट लगा के लिख लीजिएगा। पुंटाटी धाम मेड़ता नागौर में, वहां भी लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। चतुर्दास जी का जो है ना धूना, बुंटाटी धाम। बुंटाटी धाम में भी लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है।
लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। एक माता और आती है, बरबड़ी माता, है ना, मर्मी माता देख लीजिए, यहां देखते हैं अन्य माताएं, तुलजा भवानी माता, मंदिर कहाँ तुलजा भवानी का, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में ही आएगा मंदिर। चित्तौड़गढ़ में कुलदेवी किसकी, शिवाजी की कुलदेवी है। कुलदेवी शिवाजी की, शिवाजी की कुलदेवी। अब अन्य माता देख लेते हैं, अन्य माता, बरबड़ी माता कहाँ है अपने चित्तौड़गढ़ में, बरबड़ी माता आपने कहा चित्तौड़गढ़ में। बरबड़ी माता चित्तौड़गढ़ में, मर्मी माता, मर्मी माता रासमी चित्तौड़गढ़ में, एक बरबड़ी माता एक अपने चित्तौड़गढ़ में और मर्मी माता चित्तौड़गढ़ में। अब देखो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा की, त्रिपुरा बडली माता भी एक, बडली माता वो भी अपने कहा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। अब देखते हैं अपने चित्तौड़गढ़ के बाद में बांसवाड़ा की माता, प्रतापगढ़ की, बांसवाड़ा की, प्रतापगढ़ की देखो, भंवर माता कहाँ है, भंवर माता, भंवर माता में अपना उत्तर निकल के क्या आएगा, प्रतापगढ़, भंवर माता में उत्तर निकल के आएगा प्रतापगढ़ में मंदिर है। भंवर माता का मंदिर कहाँ, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। दूसरी माता और देखो, एक देवाक माता, देगरिया माता आपने पढ़ी थी जैसलमेर में, ये देवाक माता है और देवाक माता आपने कहा है प्रतापगढ़ में मंदिर। देखो देवाक माता का मंदिर, प्रतापगढ़ में अपने देवाक माता का मंदिर है। इस माता के बारे में बताया जाता है, प्रतापगढ़ में भी कहाँ है, देखो यहां से कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा, है ना। जोलर प्रतापगढ़ में, जोलरी प्रतापगढ़ में, अभी जोलर है, इस मात्रा को हटा दूं जेलर बन जाएगा, अगर जोलर में ये मात्रा हटा दूं तो जेलर बन जाएगा। अब जेलर से क्या संबंध है, जेल से, जेलर का संबंध है जेल से, यानी कैदियों को छुड़वाने के लिए, कैदियों को छुड़वाने के लिए इस माता के मंदिर में हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाई जाती है उसके परिजनों के द्वारा।
कैदी को छुड़वाने के लिए, कैदी को छुड़वाने के लिए उसके परिजनों के द्वारा उसके परिजनों के द्वारा मंदिर में हथकड़ियां चढ़ाई जाती है, हथकड़ियां चढ़ाई जाती, हथकड़ियां चढ़ाई जाती है। हथकड़ियां चढ़ाई जाती है, मैंने कहा यहां से समझा दिया। अब देखो बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में कौन सी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, यहां लिख लीजिए बांसवाड़ा में कौन सी माता आएगी, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता। मंदिर कहाँ है, त्रिपुरा सुंदरी माता है बांसवाड़ा में, त्रिपुरा सुंदरी माता। ये थी अपनी माताएं, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में।